सिंगल वाटी जिसको मेवाती में कहते हैं सिंगल वाटी, गाने गंदे गंदे गांव की सड़क खड़े होकर बुरी तरह आवाज से लगाते हैं, इससे परेशान है जी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के चुनावी दंगल में। लगातार हम यहाँ के प्रत्याशी जो हरियाणा में जो चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके पास जा रहे हैं और यहाँ के विकास की बातें भी कर रहे हैं, उन बातों को भी, और जो यहाँ विकास हुआ है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसी के बीच आज हम बादली गांव में पहुँचे हैं जो कि पुनाना खंड का गांव है। यहाँ पर एक बाबा है, उनकी एक बात सुनने को हम खड़े हैं, क्योंकि वजह यह है कि जो सामग्री यानी कि प्रचार सामग्री में जिसको प्रयोग किया जा रहा है उनका क्या कहना है उसको लेकर, वो उनसे जानते हैं। जी बाबा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद कासम है। जी कासम सर, आप बताएंगे हमें कि क्या समस्या आपको? समस्या हमें सिर्फ ये है, जो ये सपोर्टर घूम रहे हैं गाड़ियाँ लिए, जिला पार्षद या ब्लॉक समिति, वही घूमते हैं सरपंच तो दूसरे गांव में जाएगा ही क्यों। उनसे इस बात की परेशानी है कि वो ऊंची आवाज़ में सिंगल वाटी जिसको मेवाती में कहते हैं सिंगल वाटी, गाने गंदे गंदे गांव की सड़क खड़े होकर बुरी तरह आवाज़ से लगाते हैं, इससे परेशान है जी। ध्वनि प्रदूषण है या फिर यूं कहें कि उनमें जो शब्द हैं उनसे आप शब्द से परेशान है, शब्दों से ज़्यादा शब्द गंदे गंदे हैं जी। अच्छा, वो प्रचार में ही है या फिर अलग गाने? वो प्रचार में नहीं होते, वो प्रचार में तो अभी तक एक कैंडिडेट गया था, मैं नाम नहीं लूँ किसी का, उसने उसका नाम ही नहीं लिया उन गाने वालों ने, गाने सुना चलता। अलग ही उनका चलता है। तो क्या लगता है कि इसको लेकर मतलब जो प्रत्याशी हैं उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए या नहीं? देना चाहिए, अगर थोड़ी बहुत रखते हैं तो देना चाहिए। और एक जब आपकी गली से वो गुजर रहा था, आपके रास्ते से गुजर रहा था, आप लोगों ने उसको बोला या टोका नहीं कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों बजा रहे हैं? टोकते बंद नहीं किया उन्होंने, माइक नहीं किया, जिनके पास वो बटन थी उन्होंने टोक भी लिया, जब भी बंद नहीं किया। अच्छा, फिर क्या टोकना रहा उनका ये बताओ। तो इससे कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी होंगे उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, मान लो नुकसान होगा। कोई आदमी कुछ भी कह सकता है, उससे बात बढ़ सकती है। बिल्कुल ये बात तो गलत है जब प्रचार के लिए। जी बाबा, क्या कहने जाएंगे आप? ना जब गंदे गाना गाएंगे तो गांव में झगड़ा होएगा, बिल्कुल होएगा, बिल्कुल पेट गिराएंगे प्रत्याशी काचो से, कोई और आ जाए। जब हमारी बहन बेटी पे बुरा गाना गाएगा तो हम मना करेंगे, मना ना होएगा हम पेट गिराएंगे, बिल्कुल हम ना कोई और पेट गिराएगा, ना होना चाहिए ना। अरे इनसे और थोड़ा मिला गाना, बिल्कुल ना मिला, और अपने उल्टी बिगाड़ रहा, नुकसान उठा रहा है, ना होना चाहिए इनके। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए वो भी आप थोड़ा बताइए कि कैसे चलना चाहिए ना। अब चलन लो तो तक मेवात में तो कोई उत है ही ना है, कोई रोक टोक तो है ना, चो कोई अड़बो गावे चो कोई सड़बो गावे नहीं। आप जी अभी वोट मांगा आराम से प्यार से। नहीं, विधानसभा में भी तो मेवाती गाने चलते हैं उसमें। नहीं, ना ना ना, ये विधानसभा में भी बहन भगी वा की माँ भगी, ये भी नहीं चला रहे तो। ना ये चल रहा है इनका। अरे आप जार देखो चौराहे, आप जार देखो दिन में वो बुरा गाना जो होना चाहिए, बुरा गाना जो अच्छा बुरा गाना वह गवा हुआ दिन, गलत गानों को यहाँ बजा। हाँ, ज्यादातर गलत गवा हुआ, होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो बाबा ने बताया कि जो गलत शब्दों का यूज कर रहे हैं या अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं उन म्यूजिक को यहाँ बजाया जाता है, लाउडली बजाया जाता है, पर ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ कहीं ना कहीं जो लोग हैं उसमें साथ ही जो परमिशन लेके तो हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो लोग हैं उनको वो सुनने को मिल रहा है जो वो नहीं चाहते और पसंद नहीं करते। या आप समझ रहे हैं मेवात के लोग उस चीज़ को नहीं समझना चाहते, नहीं सुनना चाहते, साथ में प्रशासन इस पर ध्यान दे और गौर दे कि जो लाउडली बजा रहे हैं, म्यूजिक का प्रयोग कर रहे हैं, साथ में किस चीज़ के गाना का प्रयोग किया जा रहा है, क्या वो सही है या गलत, आप लोग भी कमेंट करके हमें बताएं। और साथ ही में मैं ये अनुरोध भी करना चाहूँगा उस हरियाणा और मेवात के उन प्रत्याशियों से जो लगातार कुछ गलत या गंदे गानों का प्रयोग किया जा रहा है, साथ ही वो डोर टू डोर अपना संपर्क करें। म्यूजिक से आपको वोट नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर डोर टू डोर जाएंगे तो वहाँ आपको मिलेगा। मैंने देखा है कि यहाँ लोग डीजे की धुन पर थुरकते हुए नज़र आते हैं, झूमते हुए नज़र आते हैं, चाहे विधानसभा हो, चाहे कोई भी यहाँ का चुनाव हो, हर एक चुनाव में यहाँ डीजे बिन काम नहीं चलता। तो ये मेवातियों का कल्चर भी नहीं है। वैसे तो आप लोग जानते हैं इस बात को, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि किस जगह कोई गलत गाना या बजाया जा रहा है या नहीं, और ये कितना सही है कितना गलत है। धन्यवाद।